हेलो फ्रेंड्स, अर्ली टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इश्तियाक अहमद। मैं इस वक्त मौजूद हूं श्रीनगर के जहांगीर चौक में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा यहां के जो रोड्स है काफ़ी ख़राब है। जहांगीर चौक से लेके अगर हम बात करेंगे जो ये रोड जाता है एयरपोर्ट की तरफ, काफ़ी सारे पॉट होल्स हैं। यहाँ बिल्कुल 300 मीटर दूर यहाँ पे सिविल सेक्रेट होगा, यहाँ हाई कोर्ट है, लेकिन रोड्स जो है उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। यहाँ लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो सोई है, गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं करती है। अगरचे गवर्नमेंट ने अब की बार ये दावा किया था कि करीब 8000 किलोमीटर रोड जो है वो मैग्नमाइज होंगे, लेकिन लोगों का मानना है कि ग्राउंड पे ऐसी सिचुएशन है कि कहीं से ऐसे नहीं दिखाई देता है कि ग्राउंड पे मैग्नमाइज हुए हैं। बहुत सारे रोड जो है हमने मैग्नमाइज होते हुए देखे हैं, लेकिन ये मेन हब है लाल चौक। यहाँ आप देख लीजिए काफ़ी सारे पॉट होल्स हैं, जहाँ पे गाड़ियों को भी चलना मुश्किल है, चलना दुश्वार है। जो टू व्हीलर्स हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात दरपेश होते हैं, वो काफ़ी मुश्किलातों का सामना करते हैं। उनका मानना, लोगों का मानना यही है कि लोगों को जल्द से जल्द ये रोड जो है मैग्नमाइज करने चाहिए, ताकि उनके जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। आपका नाम? मेरा नाम शबीर है सर। शबीर साहब, ये बताइएगा, रोड्स काफ़ी ख़राब हालत है रोड्स की, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन करती है इस पर? ठीक है सर, अगर हम ये रोड देखेंगे, जहांगीर चौक से ये रोड वहाँ तक जाता है सर, पूरा रोड मैग्नमाइज नहीं हुआ है, पूरे खड्डे हैं। अब देखिए टायर की क्या हालत होती है, मैं 2-4 चक्कर मारता हूँ इधर से, रोड पूरा ख़राब है। अगर आप अंदर मगरमल से भी देखेंगे पूरा रोड ख़राब है। और गवर्नमेंट ने तो ये फ्लाईओवर बनाया है, फ्लाईओवर ऊपर से गाड़ियाँ चलती, नीचे से गाड़ियाँ आती, नीचे से तो रोड पूरा, आप देखिए क्या हालत हो गई है रोड की। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट को? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द मैग्नमाइज करें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देख लिया कि लोग भी चाहते हैं ये रोड मैग्नमाइज हो, ताकि मुश्किलात जो है वो दूर हो जाए। हमने इसके बाद हम दूसरे रोड्स पे भी जाएंगे, वहाँ भी हालत यही, हम कोशिश करेंगे लोगों से कि वहाँ अगर ऐसी हालत है तो क्यों है, गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पे एक्शन करती है। आइए दूसरे रोड्स का आपको सैर करवाते हैं, आपको लेके चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर श्रीनगर के बिमना इलाके में, जो यहाँ एशियाज लार्जेस्ट कॉलोनी मानी जाती है। बिमना बड़ा इलाका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो मुश्किलात हैं लोगों को बहुत हैं। रोड्स की कनेक्टिविटी बिल्कुल, रोड्स खस्ता है, रोड्स की हालत काफ़ी ख़राब है। अगर आप ये देखेंगे ये रोड्स की हालत, काफ़ी बड़े बड़े पॉट होल्स हैं, काफ़ी लोगों को मुश्किलात है। जब भी यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो यकीनन गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुँचता होगा। ये गाड़ियाँ यहाँ से होती है, ये इलाका जो है यहाँ से काफ़ी सरकारी ऑफिसेज हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल है, JVC हॉस्पिटल है, लेकिन अभी तक ये रोड जो है अभी तक मैग्नमाइज नहीं हुआ है। लोगों का यहाँ पे कहना है, मानना है कि पिछले 2 साल से इस रोड की हालत ऐसी है। लोग ये कह रहे हैं कि इसको मैग्नमाइज नहीं किया गया, हताकि इसको जो पॉट होल्स हैं वो भी ठीक नहीं हुए। जी आपका नाम? जी शबीर अहमद। शबीर साहब बताएगा, ये जो रोड्स हैं इसकी कनेक्टिविटी, यहाँ रोड चूँकि ये बहुत सारे इलाकों को कनेक्ट करता है, यहाँ JVC हॉस्पिटल है, बहुत सारे सरकारी इदारे हैं और बहुत लोकलिटी है यहाँ पे, लेकिन हमने देखा ये हालत बहुत ख़राब है, क्या कहेंगे? ये तो इसकी हालत जो रोड है, खासकर बिमना का जो एरिया है, यहाँ पे जो भी रोड देखेंगे आप, वो उनकी हालत ऐसी ही है। खासकर कि इस रोड की कनेक्टिविटी हॉस्पिटल को जाती है, मगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो नहीं दे रही है कि हमारा ये रोड है, पेशेंट्स हैं वगैरह, इनकी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका ही खस्ता है। तो सरकार से क्या अपील रहेगी आप? सरकार से अपील यही रहेगी कि पहले अवलीन फुर्सत में हमारा ये रोड जो है इसको क्लियर ठीक कराया जाए, ताकि हॉस्पिटल जो पेशेंट जाते हैं उनको तकलीफ ना उठानी पड़े कोई। लोग हमारी माध्यम से यही अपील कर रहे हैं सरकार को कि जल्द से जल्द इस रोड को मैग्नमाइज किया जाए। मैं मज़ीद आपको दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की हालत इस वक्त क्या है। यहाँ से गाड़ियाँ जो है काफ़ी मुश्किलात दरपेश है, लोगों को चलना काफ़ी दुश्वार है। यहाँ लोग, यहाँ पानी भी, इन गड्ढों में पानी भी जमा हुआ है। तो हमारे माध्यम से यही अपील है सरकार को कि ये जो कनेक्ट रोड है इसको जल्द से जल्द मैग्नमाइज किया जाए, ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाए।